नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। कानपुर कांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद भी उसकी चर्चा सभी जगह हो रही है। आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे इनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी हर तरफ सिर्फ उसी की चर्चा हो रही है। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने गैंगस्टर विकास दुबे के इनकाउंटर पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा है कि राजनेता ही अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इसमें मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लोग शामिल रहते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से भाजपा के सांसद जनार्दन मिश्रा कुख्यात अपराधी गैंगस्टर विकास दुबे के इनकाउंटर पर उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस ने अच्छा काम किया है जो विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, राजनेता ही अपराधियों को संरक्षण देते हैं। सांसद ने कहा कि पहले के ज़माने में प्रधानमंत्री से लेकर सांसद तक भी अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जनार्दन मिश्रा ने कहा प्रधानमंत्री से लेकर सरपंच तक ने इन व्यवस्था को जन्म दिया है। इसमें ग्राम पंचायत का सरपंच, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ये सभी लोग अपराधियों को टिकट देते हैं और इनका राजनीतिक फायदा भी लेते हैं। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि प्राइमरी स्कूल के मास्टर से लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति तक भी अपराधियों को संरक्षण देते हैं। उन्होंने कहा कि दोष सिर्फ न्यायपालिका या एक सिस्टम में नहीं है, पूरी सामाजिक व्यवस्था में दोष है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के इस बयान के बाद से अब सभी तरफ हड़कंप मच गया है। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने विकास दुबे के इनकाउंटर पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ऐसे अपराधियों को राजनेता ही संरक्षण देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।